अब आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दो प्लीज, एक बार आवाज कर दो, कंफर्म आ रही है? कर दिया सर, स्क्रीन देख लो एक बार। देख लिया भाई, ऋतिक राज देख लिया, एक बार बता दो आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है, ठीक है ना? एक बार देख लो, बिल्कुल आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दो पहले तो। आवाज आ रही है, स्टार्ट करा जाए, ज्यादा टाइम नहीं लग खाऊंगा तुम लोगों का मैं बस। ओके, ऑडिबल है, चलो बहुत बढ़िया। तो यार मैं बस यही कह रहा था कि पेपर वाकई लेंदी है ना, लेंदी आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट तक लग रहा था 65-66, आपके गुड अटेम्प्ट हैं, बट थर्ड शिफ्ट आते आते हो गया आपका 50 या 55 भी करके आ रहे हो, तो अच्छा है भाई, परेशान मत हो, तुमने अपना बेस्ट दे दिया, दैट्स इट। अपने आप को कोसो मत कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। तुम कैसे अभी डिसाइड कर सकते हो यार, कैसे कर सकते हो? योर टारगेट इज मेंस, मेंस को करते रहो, आने वाले एग्जाम्स में काम आएगा, ठीक है ना? चलो, अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दें, 599 में प्राइम PDF कोर्स है, ठीक है? बाकी मेरा ये बैच है मेंस के लिए, जो कि RRB को भी फोकस करेगा, RRB का PO क्लर्क, प्लस ये SBI को और PO को, SBI PO और IBPS PO को भी क्लर्क फोकस करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत दिखाना जरूरी था क्योंकि एक्चुअली ये देखो, आज अच्छी बात है ये कि एक ने मुझे टेलीग्राम मुझे किया, सर आपके पास गाइडली है, तो उनकी तरह मैथ्स आया था, क्लियरली ही इज मेंशनिंग। मुझे एक स्टूडेंट ने किया था, ये मैंने नहीं किया, मुझे एक स्टूडेंट ने शेयर किया था। तो ऑफ कोर्स गाइडली का मैथ्स वाकई लेंदी है, आप चाहे मॉक लगा के देखिए, आप खुद कहेंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले बच्चे कहते सर बहुत लेंदी आता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस दिन डिमोटिवेट होते थे, आज भी तो डिमोटिवेट हो रहे हो लेंदी पेपर देख के, है ना? तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बाकी एक ने कहा कि सर जैसे आपने पजल कराया था 10, मैंने कल पजल कराई थी, लेवल वैसा ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी ये वाली वीडियो, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन था, सबने बनाइए, जरा एक बार बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी बनाइए। ऑल ओके, देखो ये क्वेश्चन मैं बता, सुनो, तुम लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बना देते हैं। 9% की बात करता, डिफरेंट फ्लोर थे, ये इजी था। कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ सकते थे, उसको छोड़ देते तुम आगे बढ़ जाते, लेकिन तुमने उसको क्या किया, चिपके रहे उसी पे। देखो क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 1% लिव अबव डी, नॉट मोर देन वन, वन से ज्यादा नहीं, तो डी टॉप पे रख लो ना, डी को मैंने यहां रख दिया, अब इसके नीचे हम डी नहीं कर सकते ना, दैट्स इट। अबव 4D और C, सारे पॉइंट कनेक्ट है, देखो 1 2 3 4 C और यहां पे C, 1 2 3 4, ठीक है? J लिव्स इमीडिएटली बिलो C, C के इमीडिएटली बिलो J, C के इमीडिएटली बिलो J। आगे देखो, ओनली 2% लिव बिटवीन J एंड A, यहां देखो 1 2 करके A, 1 2 करके A, इसके अलावा और कोई बात नहीं बनेगी। ओनली 2% F एंड E, एंड F लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड लिव्स अबव E, F E नीचे आएगा, मतलब कुछ ऐसे होना चाहिए ना, देखो 1 2 करके E और F आपका इवन में होना चाहिए। ऑफ कोर्स 2 पे रखोगे नहीं, इस वाले केस में 2 पे नहीं रखोगे, कहां रखोगे, 4 पे जगह नहीं है, 6 पे जगह नहीं है। F 1 2 करके E, यहां देख लो एक बार, F 1 2 करके E 4 पे आ सकता है, 6 पे रखेंगे 1 2 करके E नहीं आएगा, तो यहीं पे आएगा ना केवल, F 1 2 करके E तुरंत बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, बी लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, एच और बी सिर्फ यही आ रहा है, एच बी, क्या बोला, यही बोला है ना, बी लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, एच बी ये आ रहा है, एच बी, और कौन बच रहा है, अब आपका बच रहा है ए बी सी, सी बच रहा है क्या, सी टॉप पे जाएगा। बी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, क्या बी हमारा ऑड पे है, हाँ बिल्कुल ऑड पे है, यहाँ क्या है इवन पे है, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ये लेवल आपके सामने आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? इतना टफ मॉक गाइडली ने दिया, उसी वजह से आज RRB में इतना टफ पेपर डाल दिया, शेम ऑन यू गाइडली। चलो कुछ लोग देखो क्रिटिसाइज करने वाले ऑफ कोर्स करेंगे, सॉरी बेटा मैं शेम करता हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक है, तकदीर बताएगी इंसान को। चलो तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, देख लो एक बार, केस 1, बिल्कुल केस 1 बनेगा ना, इतने टफ मॉक ने गाइडली ने दिया, उसी वजह से आज RRB में इतना टफ, गाइडली का RRB
आईबीपीएस वालों से क्या कनेक्शन जोड़ दिया भाई तुमने, बहुत सही किया। चलो अच्छा ठीक है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन एच एंड जी, आप देखिए तुरंत यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, मैच कराते रहना तुरंत, आप सभी लोगों का यही आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर द फाइनल अरेंजमेंट, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड ये आपके सामने आ गया, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द फर्स्ट पर्सन लिव्स टू फ्लोर बिलो द सेकेंड फ्लोर, तो आपके सामने सी ए है, सी ए, ठीक है ना। आगे देखिए, रिमोट यूज कर लेता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग लिव पर्सन लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, लोअर मोस्ट पे तो आपका बी कर रहा था ना, वन पे, याद होगा। चलिए आगे देखिए, फोर ऑफ द फाइव आर अलाइक इन सर्टेन वे, जी एंड एर्थ फ्लोर, जी एंड एर्थ फ्लोर, जी एंड एर्थ फ्लोर, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल देखिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट बनाओ इसको, सेवन जी होगा, कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सेवन जी, सी आ गया, अच्छा जी होगा, हाँ। अरे यार ये अंडरस्टैंडिंग है यार, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है ये तो, चलो ठीक है ना, चलो एग्जैक्टली ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, आराम से डुएबल था क्वेश्चन, इसको भी कर सकते थे। ओसिट्स फेसिंग द सेंटर, मैंने बना दिया ओको यहाँ पे, ओको फेसिंग सेंटर, ओको फेसिंग सेंटर, ठीक है ना। ओ फेसिंग द सेंटर, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड एल आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो ओ और एल को मैंने यहाँ लिख दिया, ओ और एल को मैंने यहाँ लिख दिया, डायरेक्शन कुछ पता ही नहीं चल रही है। बट आगे ये बात बोली, एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, जब मैं एल को ऐसे दूंगा तभी तो एल यहां आएगा, सॉरी एन यहां आएगा, एन, और जब मैं एल को बाहर दूंगा तभी तो सेकंड लेफ्ट में एन यहां आएगा। और बात बोली गई थी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, तो मतलब अगर एल आपका बाहर देख रहा है तो एन आपका अंदर देखेगा, ये अगर अंदर देखा तो एन आपका बाहर देखेगा। आगे देखिए, Q sits immediate left of N, क्योंकि हमें पता चल चुका है Q यही आने वाला है, क्योंकि Q हमको यही पता चल गया आने वाला है। R sits second to the right of Q, Q sits second right में, एक का गैप देखिए R, 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 लेकिन आगे तो पढ़ो क्या बोला है, and R sits second to the right of Q and adjacent to L, भाई साहब क्या और बचा क्या है, R को यही लिखना पड़ेगा, R को यही लिखना पड़ेगा, पर कैसा नेचर में बोला था, R sits second to the right, सेकेंड टू द राइट मतलब इसको अंदर देना पड़ेगा तभी सेकेंड राइट में है, और इसको आउटसाइड देना पड़ेगा तभी सेकेंड राइट में आर आपके सामने आ जाएगा। आगे बोला थ्री पर्सन से मैं आर एंड एस, जैसे आर को लिखा तुरंत एस को यहां चिपका दो, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है, आठ है, तो आमने सामने हो जाएंगे, आर एंड एस यहां आ जाएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज पी, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में अंदर दोगे तभी तो पी यहां लिखोगे, इसको आउटसाइड दोगे तभी तो पी यहां लिखोगे। आगे कौन बच रहा है, आगे क्या कौन बच रहा है, एम बच रहा है, एम आपके सामने ये आ जाएगा, एम आपके सामने ये आ जाएगा, पर बोलता है इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, पी का इमीडिएट नेबर ये और ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी मतलब पी अंदर देखेगा और एस और एम दोनों बाहर देखेंगे, ये अंदर देखा तो ये भी अंदर देखेगा और ये बाहर देखेगा इसके रिस्पेक्ट से। आगे द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ओ फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, भाई साहब इमीडिएट राइट ऑफ ओ फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, इमीडिएट राइट ऑफ ओ फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, कुछ गड़बड़ किए, कौन सा सही कौन सा गलत है, कुछ गड़बड़ कर दी, एम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अरे ये वाला सही हो जाएगा ना, लास्ट लाइन बोलो बोला तो है कि एम फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एम सेंटर कहां दिख रहा है, ये हटा दो, ये आपका बन जाएगा, होप्स यही बना होगा सबका। सर कल क्या पेपर, बहुत डर लग रहा है अब तो, डरने इसीलिए कहते हैं एनालिसिस मत देखा करो, सीधी सी बात है, एनालिसिस मत देखो, ठीक है ना, डन है, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, आराम से कर लो के, इसको चलो देख लो, आराम से बन जाने वाला है ना। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, दैट इज पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी सिट्स नहीं, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ये, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहता है, Which of the following statement is not false? Not false बोला है, as per the, ये चीज देख लेना, ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग देख लेना कि not false बोला है, तो not false बोला है तो P sits third to the left of Q, P sits third to the left of Q, option number D. आगे, if one of the neighbor of R is L, then who among the following person is the second neighbor? तो यहाँ पे आंसर आप लोग मैच करते रहे ना, question number 8 का आंसर है, if one of the neighbor, ठीक है, the one who sits immediate left of, the one who is immediate left of M,
ठीक है ना, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर फाइव अराइव इन सर्टेन वे, इसमें ऑड वन निकालना है, तो हमारा ऑड वन हमारा आर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके सामने, अब आता हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ पी एंड एल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज एन। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल आपके सामने ये डायरेक्शन का था, ठीक है ना, तो डायरेक्शन का भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप सब आंसर मैच कराते रहना, सिर्फ आंसर मैच कराते चलो, ठीक है ना। तो आंसर ये कुछ इस तरीके से आया होगा आपका डायरेक्शन का, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू एच, जल्दी से देखो तो 2 मीटर साउथ में आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। आगे फोर ऑफ द फाइव आर अलाइक इन सर्टेन वे, ऑड वन आउट वाला है, मतलब आपको ई और जी आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ई और जी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, इफ पॉइंट जेड इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ पॉइंट जी एंड एफ देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड एंड बी, दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या आंसर आता है आपका अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का, अब इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं चलो। देखो कितने नंबर असर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रूम फेसिंग टुवर्ड द साउथ फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। आर बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आराम से। अब आर सिट्स एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एक चीज फिक्स कह दी कि लेफ्ट एंड आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 आर, और बोल दिया कि ओनली 5% से भी आर एन टी 1 2 3 4 5 आर एन टी, एक और पॉसिबिलिटी बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 करके आर एन टी के बीच में 5 बी सिक्स एट टू द राइट ऑफ टी 1 2 3 4 5 6 7 का गैप देखिए बी क्या बोला था एट टू द राइट ऑफ टी, तो 1 2 3 4 5 6 7 का गैप देखिए बी आ जाएगा। आगे देखिए पी सिक्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, अरे पी सिक्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड लेकिन जेड के बारे में बोला 7 टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 यहां पे जेड क्योंकि सेवेंथ बोला है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 छह का गैप होगा। आगे देखो पी सिक्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के सेकेंड लेफ्ट में पी यहां आ जाएगा और जेड के सेकेंड लेफ्ट में पी यहां आ जाएगा, दैट्स इट। आगे देखो क्या कहता है, ओनली 4% से भी पी एंड क्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 पी एंड क्यू 1 2 3 4 क्यों नहीं आएगा 1 2 3 4 क्यू आ जाएगा। आगे क्या बोला एल सिक्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड बी, तो यार ये देखो यहां तो आर बैठ रहा है क्यू और बी के एग्जैक्टली बिटवीन में, ये कैंसिल कर दोगे एंड एंड सी इज फिक्स्ड फ्रॉम द राइट एंड, मतलब 1 2 3 4 5 और ये ब्लॉक कर देंगे। कितने नंबर ऑफ पर्सन आए थे 1 2, अब ये हम निकाल सकते हैं क्यों, क्योंकि दोनों साइड से लॉक हो चुके हैं नंबर ऑफ पर्सन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 टोटल नंबर 28 नंबर ऑफ पर्सन। आप सभी लोग बस आंसर मैच कराते रहना, 28 नंबर ऑफ पर्सन आए थे, ठीक है ना। ओके यस 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 28 हाउ मेनी पर्सन बोला है कि कितने पर्सन है 28 है अभी बता दिया मैंने, एज मेनी पर्सन बिटवीन क्यू एंड सी एज बिटवीन बोथ बी एंड डी ऑप्शन, ये जो ऑप्शन आते ना ऐसे वाले थोड़े सतर्क हो जाया करो, थोड़े से सतर्क हो जाया करो, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू जेड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू जेड इज 11th टू द राइट, 11th टू द राइट। आगे देखिए क्या कहता है, अब आपके सामने ये ईयर बेस वाला क्वेश्चन आया था, फोर्थ शिफ्ट कैसे आई कोई बताएगा, देखो अरे सर ओनली अ फ्यू पॉसिबिलिटी में आया कंक्लूजन में, तो वो कैसे होगा पुलकित, वो आएगा ही नहीं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं मेरा नंबर ले लो, वो आएगा ही नहीं। ओनली फ्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन में, मैं लिख दूं ये चीज और ताकि तुम लोग बात भी रिकॉर्ड रहे ना, अगर आ गया तो दिखा तो सकोगे हमको। ओनली फ्यू केवल स्टेटमेंट में आएगा, यहां लिख दिया है, भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता तुम्हारे लिए। देखो यहां पे एज निकालनी है, एज निकालने के लिए आपको एक बेस ईयर पता होना चाहिए, 2021 से बेस ईयर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना पुलकित, परेशान मत हो। एज अगर यहां से 2000 निकालनी है तो मेरे को बेस नीचे से शुरू करना पड़ेगा, नीचे से शुरू करेंगे तो सबसे पहले मुझे पता है 2021 से ये 24 साल का हो जाएगा, नो डाउट। ये 7 1
97, 91 डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 6 का। तो जो डिफरेंस दिख रहा है वो 24 में ऐड कर दो, 30। क्लियर है, बात समझ में आ रही। इसी तरीके से मूव ऑन करते हुए चलो, आगे क्या दिख रहा है, ये डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, 30 और 6 का डिफरेंस है क्या, 6 5 11, 5 2, हाँ 6 का डिफरेंस है तो 36, ठीक है ना। इसी तरीके से पूरा ऊपर लिखते हुए चलो भाई, सीधी सी बात है, यहां कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, 81 85, तो 4 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 73 81। अरे 7 दिया तो 80, मतलब 8 का दिख रहा है तो 8 इसको यहां 48 कर दो, इस तरीके से कर दो। क्लियर है बात। अब देखो 73 71 कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है तो 2 इसमें ऐड कर दो, 50। अरे हाँ या ना, बस इसी तरीके से ही आपको फटाक से ये एज लिखनी थी, ठीक है ना। चलिए ये 52 है आपके सामने, और कौन सी आएगी, 61 है, तो ये 8 और ऐड कर देंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 60 साल का, ठीक है ना, 60 साल का, ठीक है ना। कमेंट कहाँ देखता सर, सेकंड शिफ्ट का वही करवा देना, वो शिफ्ट के एज बेस पजल नहीं हुआ था, वही सेकंड, चलो मिलेगी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अब भाई तुमने जैसे एज निकाल दी, लाइन बोली तो डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ एच एनसी इज 6 ईयर, कहां कहां दिख रहा है देखो, 6 साल का यहां डिफरेंस दिख रहा है, 6 साल का यहां डिफरेंस दिख रहा है, और कहीं 6 साल का डिफरेंस दिख रहा है, तुम खुद सोचो, 30 में जोड़ेंगे 6 36 36 में 6 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए था, तो नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन दोनों के अलावा एच इज एल्डर देन सी, तो बना दो एच इज एल्डर देन सी, एक ये पॉसिबिलिटी बना दो, एच इज एल्डर देन सी, एच इज एल्डर देन सी, बस दो ही पॉसिबिलिटी बनाओ। द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की कितनी है 24, तो मतलब 4 2 48, कितना बी पे यहां, सी पे 30 तो 60 बी पे यहां। आगे देखो, ओनली 2% बी एंड एफ, अरे यार एक दो करके एफ को यहां लिखोगे, एक दो करके एफ तो आएगा नहीं, एक दो करके एफ टॉप पे चला जाएगा। द सम ऑफ द एज ऑफ एफ एन जी इज 100, एफ एन जी एफ 60 तो 40, जी एफ 48 तो 48 प्लस 2 50 50 50 आपका जी 100 हो जाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ एफ इज 8 ईयर मोर देन द एज ऑफ ए, एफ की 48 है तो 8 कम कर दिया, तो 8 कम कर दिया तो 40 हुआ, 40 मतलब हुआ आपका कौन सी एज निकल के आएगी, ए की निकल के आएगी यहां पे ए, और एफ 60 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा ए 52 पे। आगे देखो, ई इज 16 ईयर यंगर देन ए, द सम ऑफ ई एंड डी इज 74, यार एक बात बताओ ये तो प्रॉब्लम कर जाएगा, 74 कहां बनेगा, 50 60 70 यही तो बनेगा, और 50 3 ये नहीं बनेगा, यली कैंसिल हो गई क्योंकि 74 का सम नहीं देगा। अब ये बोला है कि E is 16 year younger than A, A से छोटा है, A से छोटा है ना, तो E और यहां पे D, ये बन गया, यही बना था। अरे हाँ सेकेंड वाली रॉन्ग हो गई, बिल्कुल सेकेंड वाली रॉन्ग हो गई, बिल्कुल सेकेंड वाली रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, अब आप देख सकते हैं। हाँ अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे कि व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ डी एन जी, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ डी एन जी, 102, ठीक है ना। चलिए हाँ, 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे, ऑप्शन एफ ए, एफ ए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आगे, इफ सी इज फादर इज 27 ईयर एल्डर, देन द फादर ऑफ सी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 1964, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इन 1973 में कौन हो रहा होगा, द वन हु वॉज बॉर्न इन 2% आफ्टर जी, ठीक है। 20 हो चुके हैं, 20 और कर लेते हैं फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब यहां से स्टेटमेंट ट्रू वाला निकालना है, तो ओनली 3% वर बॉर्न आफ्टर ए, ठीक है ना। चलिए यहां पे इसका आंसर क्या होगा सर, ऑल कैन नेवर बी को सम नॉट बोल सकते हैं क्या, हाँ कह सकते हैं पुलकित, अभी कराएंगे ऑल नेवर का, परेशान मत हो, अभी हम वो कराएंगे सिलॉग्स का, ठीक है ना। अब भाई बोला इफ इट इज इन द गिवन नंबर, ये वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट, सुनो दो चीज पे फोकस करना है ऐसे सवाल में, ऑड डिजिट बोला है कि ऑड पोजिशन बोला है, फोकस कर रहे हो, याद रख लेना ये चीज, ऑड डिजिट बोला है कि ऑड पोजीशन बोला है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, गलती कर देते हो तो ये इंस्टीट्यूशन में ये चीज
तो सिर्फ यहां ऑड डिजिट बोला है एंड टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट, ठीक है, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिप्लेस मोर देन वंस, है तो ऑपरेशन परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा तुमको यहां पे, हा? तो आएगा देखो सबसे पहले तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं फटाक से, 2246680, तो ये देखो दो बार आ गया, दो बार ये आ गया, तो दो डिजिट हैं आंसर ऑप्शन नंबर बी। और भी कुछ है? अरे सी भी तो है, ये सिक्स, तो ऑप्शन थ्री है, ऑप्शन थ्री, ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन। अगला सवाल देखो क्या है फटाक से, ये किसी ने किया था देखो, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में चीज सुन लो पहले, तो अगर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, अगर मेरी बात को प्लीज सुन लो यार, अगर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो मत टाइम वेस्ट करो, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। आज के बच्चे सिर्फ इसी चीज में नहीं समझ पाए कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाए बहुत से बच्चे, जिसकी वजह से पैनिक हो गए, ये हादसा आपके साथ ना हो, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, जय हिंद, ठीक है। देखिए QROM मैं क्या कर रहा हूं, QROM मैं एक चीज फॉलो कर रहा हूं, मैंने इनकी प्लेस वैल्यू लिखी 17 18, हाँ 17 18 15 और 13, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना। अरे यार बफरिंग हो रही है क्या, बफरिंग हो रही, बफरिंग तो नहीं हो रही है यार, हाँ या ना भाई, यही तो होगा, बाकी इसको लिखने पे हमने एक चीज देखी कि यार ये हो रहा है प्लस वन 17 18 और ये हो रहा है -2, ये पैटर्न सब में फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो करेगा, इसमें करेगा, इसमें, बट ये बीच वाले में नहीं कर रहा है ये पैटर्न फॉलो, क्लियर है, पैटर्न मिला +1 -2। अब तुम्हारे कल के शिफ्ट में अगर मान लो ये पैटर्न नहीं, अगर मान लो ऐसा ही आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता ऐसा हो सकता है कि इनका इनकी की जगह इनका इनका और इनका इनका पैटर्न बना दे, तो ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, ये चीज तुमको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी। आगे देखिए, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन कौन सा, अरे आजा, अरे बढ़ जा यार, हाँ हाँ, ये किसी ने देखा था ये कोडिंग डिकोडिंग का, इफ ऑल इज वेल इज कोडेड एज दिस, वेल डन इज कोडेड एज दिस, एंड ऑल गुड इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट इज द कोड फॉर द गुड इज डन, बताओ, देखा था किसी ने ये, इसका देखो निकल जाएगा कोड क्या, वेल डन 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 डन, ठीक है, देखो वेल का कोड निकालोगे तो ऑटोमेटिकली डन का आ जाएगा, दैट इज SAJD SA, डन का हो गया SA, इसका कोड निकल के आएगा, इसका क्या होगा, देखो ऑल का निकाल लो यहां से, ऑल ऑल इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दैट इज NSXW है, XW का दो FB, तो इसका कोड आ गया FB, एक बार ऑप्शन देख लो FBSA कहां दिख रहा है, FBSA नहीं दिख रहा, FBSA दिख रहा, SBSA नहीं दिख रहा, बस इन दोनों से कोई एक होगा, दैट इज गुड का कोड क्या होगा, अरे निकल के तो आ जाएगा ना गुड का भी ऑटोमेटिकली NS, ये पहला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब जब सर आज थर्ड शिफ्ट बहुत मुश्किल थी, क्वांट मुश्किल आया था, यस यस मैं एग्री कर रहा हूं उस चीज से, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, अरे ये क्या हुआ, मैं कहूं ये क्या आ गया, अरे यार शिफ्ट हो जा, चलो हाँ ये क्वेश्चन आया था, एक ये क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था क्यों, ये क्वेश्चन अधिकतर आप इस पर टाइम स्पेंड ना ही करते, और अगर करते भी तो बेटा लास्ट में आके करते ना, क्यों इस पर टाइम, इस पर बच्चे स्टक हो रहे थे, इसमें स्टक हो रहे थे, बिकॉज देखो लेंदी तो है, पढ़ने में टाइम जाता, तो प्लीज कल की भी पेपर में अगर कोई पजल दो वेरिएबल की आती है तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको डायरेक्ट कनेक्शन एक के बाद एक तुरंत नहीं दिख रहे हैं तो मत छूना प्लीज, ठीक है ना। चलो अभी इसको बनाते हैं और इसका आंसर देखते हैं, अब वाकई ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अरे यार चेंज हो जाओ, चलो रिमोट का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो सर रीजनिंग डुएबल थी बट क्वांट मुश्किल, ऑफ कोर्स
सक्षम गुप्ता, चलिए आइए देख, 7 बॉक्सेस की बात कर रहा है। देखिए कुछ लोग अर्जेंटीना एंड ऑल, ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड द वन हु इज बरमूडा। भाई अब ये नहीं मालूम चल रहा है ना कौन किसके ऊपर। टी, 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड बरमूडा, देखो टी 1 2 3 ये रहा बरमूडा। अब ये नीचे भी जा सकता था, हाँ टी 1 2 3 ये रहा बरमूडा, ठीक है 1 2 3 अरे ये रहा बरमूडा, ठीक है देखेंगे अभी समझेंगे। 1 2 3 बरमूडा, 1 2 3 बरमूडा नीचे, ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन आगे क्या बहुत प्यारी बात बोली गई है कि आगे ये कह दिया कि ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन फ्रॉम बरमूडा विच इज केप्ट अबव डब्ल्यू। डब्ल्यू के अबव ही बरमूडा है और वन बॉक्स है, तो बरमूडा एक का गैप देखिए डब्ल्यू तो यही लिखोगे ना, एक का गैप दे के डब्ल्यू यही लिखोगे कि बरमूडा ऊपर साइड है, यही बात बोलिए विच इज केप्ट अबव डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के अबव ही बरमूडा, डब्ल्यू के अबव ही बरमूडा है। इस केस में 1 2 3 4 5 6 7, मेरे बच्चों एक बात बताओ कितने बॉक्स थे, 7 बॉक्स थे, इस वाले अरेंजमेंट में 7 बॉक्स हो गए, तो पहले इसी पे फोकस कर लेते जल्दी से। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड द बॉक्स विच इज कैनेडा विच इज नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो टी। आहा क्या कह रहा है, 2 बॉक्स डब्ल्यू एंड कैनेडा, डब्ल्यू का ये 1 2 करके कैनेडा यहां लिखोगे, कैनेडा यहां लिखोगे 1 2 करके कैनेडा, टी के इमीडिएटली बिलो नहीं आएगा, टी के ऊपर ही जाएगा 1 2 करके यहां कैनेडा, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी यहां पे। ऑफ कोर्स अगर हम नीचे लिखेंगे तो टी के इमीडिएटली नीचे कनाडा आ जाएगा, और ये बोला है नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो टी, ठीक है ठीक है यहां तक सही है। 1 2 3 4 5 6 6 बना चुका हूं मैं, सातवां कहां होगा, या तो टॉप पे या तो बॉटम पे। तो यार देखो मैं ना अब यार ऐसे सिचुएशन में मैं काम करता हूं, अगर मैंने देखा आगे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है तो दूसरी बना लेंगे, ओनली वन इथियोपिया एंड वन कैनेडा, अरे दिख रहा है ठीक है कनाडा एक अगर इथोपिया, एक अगर इथोपिया, अच्छा ओहो अब देखो बातें बन रही हैं, इथोपिया और कनाडा के बीच में वन, तो यार यहां पे तो एक अगर देखिए इथोपिया यहां आ सकता है, एक अगर देखिए इथोपिया ऊपर भी जा सकता है, यहां पे भी वही चीज है। आगे देखो ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स फ्रॉम इथोपिया एंड द वन फ्रॉम जर्मनी। अब समझो कनाडा एक अगर इथोपिया, अगर हमने यहां रखा होता कुछ मिट गया क्या यहां पे, तो हमने 7 बॉक्स हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 एक बॉक्स मिटा दिया क्या मैंने, ये ऐसे ही था ना कुछ, एक बार देखो यार देखो कुछ मिटाया क्या, डब्लू था सर डब्लू था, आपने डब्लू को मिटा दिया है बरमूडा, एक का गैप देखे डब्लू था यार डब्लू, हाँ डब्लू, अच्छा कनाडा एक अगर इथोपिया, फिर इथोपिया एक अगर देखिए जर्मनी नहीं लिख पाते इस वाले केस में, तो कनाडा एक अगर इथोपिया, फिर क्योंकि एक अगर देखिए जर्मनी, तो ये केस तो मेरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया क्योंकि जर्मनी को नहीं फिक्स कर पा रहे थे। यहां तक पढ़ने पे ये चीज समझ में आ गई, उस वाले केस में इथोपिया कनाडा एक अगर इथोपिया लिख दे रहे हैं, बट एक का कहते कि जर्मनी ऊपर नहीं, एक अगर देखिए जर्मनी नीचे नहीं, कनाडा एक अगर इथोपिया तो एक अगर देखे जर्मनी नहीं लिख पा रहे, इसीलिए मैंने इस केस को हटा दिया और अब मैं इसको बना दूंगा। देखो ठीक है बात समझ में आ गई, कनाडा बरमूडा एक अगर डब्लू एक अगर देखे टी, तो 1 2 3 4 5 6 7वां मैंने ऊपर लिख दिया, 7वां मैंने नीचे कर दिया, तो कनाडा एक अगर देखे इथोपिया ये मान लीजिए कर दिया, और इथोपिया से एक अगर देखिए मान लीजिए जर्मनी मैंने ये कर दिया, कुछ गलत तो नहीं किया ठीक है ना, कनाडा एक अगर देखिए इथोपिया एक अगर देखिए जर्मनी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जर्मनी एंड आर, जर्मनी एक अगर आर यहां लिखोगे, जर्मनी एक अगर देखिए आर, एक अगर देखिए आर नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, ओनली वन बॉक्स इज जर्मनी एंड आर, आर विच इज नॉट फ्रॉम इथोपिया, आर विच इज नॉट इथोपिया, और यहां पे जर्मनी एक गैप देखिए आर इथोपिया ही आ रहा है, ये कैंसिल हो गया 100% होगा, जर्मनी एक गैप आर इथोपिया होगा नहीं, एक गैप देखिए आर बॉटम में चला जाएगा आपके सामने। आगे देखिए क्या कहता है,
आगे कहता है कि ओनली टू बोट्स आर के बिटवीन डेनमार्क एंड आर आर वन टू डेनमार्क हो जाएगा डब्ल्यू, डेनमार्क हो जाएगा डब्ल्यू। आगे देखिए ओनली थ्री बोट्स आर के बिटवीन फाइनेंशियल एंड यू, यू एंड फाइनेंशियल, अच्छा फाइनेंशियल नीचे रखते तो एक दो तीन यू फाइनेंशियल, एक दो तीन यू, अच्छा यू के लिए बहुत बात है। लेकिन आगे बोला एस इज अबव जर्मनी ओनली वन बॉक्स इज यू एंड क्यू, अच्छा यहां से पकड़ लो अगर फाइनेंशियल तो एक दो तीन यू, यू एक गैप देके क्यू लिख पाते, अगर फाइनेंशियल ये होता तो एक दो तीन यू फिर एक गैप देके क्यू नहीं लिख पाते, तो फाइनेंशियल नीचे वाला, एक दो तीन यू और क्यू आपका ऊपर वाला, बहुत बढ़िया। और जर्मनी से ऊपर एस, तो एस आपके सामने यहां पे आ जाएगा। अब कौन बच रहा है, कोई एक बच रहा है, बॉक्स एस इज kept above Germany, only one box is U and Q, three box are kept in Argentina and P. कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, एक सेकंड देखो कुछ गड़बड़ कर दिए, ये अर्जेंटीना और पी वाली लाइन नहीं आ रही है मेरी, सब कुछ सही जाता एंड वक्त पे क्या हो गया, यहां पे देखिए मैंने सही तो लिखा है कि गड़बड़ कर दिया मैंने, थैंक यू दोस्त। अरे यार ये पजल लिटरली थी थोड़ी सी फंसाने, लेकिन सही तो लिखा है सब कुछ, नहीं 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 सर गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए, एक गड़बड़ कर दिए, रुक जाओ, अरे बाप रे बाप, कनाडा यहां से हटाओ, एस को यहां से हटाओ, अब चीजों को समझो, अर्जेंटीना और पी के बीच में तीन लोग, तो अर्जेंटीना तो टी आएगा कंफर्म, एक दो तीन करके अर्जेंटीना आएगा, अर्जेंटीना टी आएगा अर्जेंटीना, जरा करो अर्जेंटीना, कुछ गड़बड़ किए थे सही कर देता हूं, अभी टी आएगा अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना आने के बाद क्या बात बोली थी कि ओनली वन बॉक्स इज केप्ट थ्री बॉक्स पी, तो एक दो तीन करके पी ये हो जाएगा, अच्छा जी चलो ये भी कर दिया, इसका मतलब यू और क्यू नीचे आएगा, क्यू ऊपर नहीं जाएगा, ये बात समझ में आ गई, ये पॉसिबिलिटी थी, फिर बन नहीं पा रहा था अर्जेंटीना और पी, इसका मतलब क्यों नीचे हो गया और जर्मनी से ऊपर एस, ये बन गया। ये क्वेश्चन वाकई आप स्किप कर देते तो शायद आपका अटेम्प्ट अच्छे हो जाते, क्यों करेक्ट था, करेक्ट थी आशा, बिल्कुल करेक्ट है, एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, मेरा आंसर परफेक्ट सही आ रहा है, होप सो सबका सेम आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज फ्रॉम अर्जेंटीना, अरे कितना टाइम हो गया, ओ 35 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज फ्रॉम अर्जेंटीना, द बॉक्स विच इज टू बॉक्स बिलो डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, एस कनाडा इज ट्रू, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, एस मेनी बॉक्स आर केप्ट अबव द इथियोपिया इज एस फ्रॉम द जर्मनी, ओके। आगे देखिए क्या कहता है, बॉक्स आर इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, फिनलैंड, फिनलैंड हो गया। आगे देखिए क्या कहता है फटाक से, हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स पी एंड द फ्रॉम डेनमार्क, आपका वन हो गया। आगे देखिए क्या कहता है, ये आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग क्या आ गए, 30 10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट उड़ा लेते हैं फटाफट। हाँ भाई देखो वाई एक्स का कोड पूछा है, भैया वाई एक्स कहाँ दिख रहा है, देखो वाई एक्स का कोड कहाँ दिख रहा है, वाई एक्स यहाँ दिख रहा है ना, और कहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो भैया एक ऐसा वर्ड होगा वाई एक्स के लिए जो कोड यूनिक होगा, हाँ या ना, वाई एक्स के लिए जो भी एक वर्ड होगा वो एक यूनिक कोड होगा। तो देखो इस पूरी लिस्ट में, इस पूरी लिस्ट में यूनिक क्या दिखना चाहिए, यू ही तो दिख रहा है, देखो कैसे पता चला, देखो कैसे पता चला, टेक रिपीट हो रहा है यहां, देखो टेक नजर का खेल है, टाइम यहां है तो टाइम और कहीं है क्या, टाइम तो कहीं नहीं दिख रहा, टाइम ये देखो, ये देखो, ये देखो टाइम, तो इसका कोड हटा दो, हटा दो, बचा इज, इज भी रिपीट हो रहा है, तो एक ये जो कीवर्ड है ये किसको डिनोट करेगा, इस यूनिक को ही तो करेगा, दैट इज यू, ऑप्शन नंबर डी, अरे भाई हाँ या ना, ऑप्शन नंबर डी, यही तो दिख रहा है यूनिक, ये यूनिक है। आगे देखिए भैया क्या कहता है, आगे कहता है व्हाट इज द कोड फॉर वन, वन का कोड क्या है, अब यहां देखो वन, यहां पे वन दिख रहा है, यहां नहीं है कहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो पूरी लिस्ट में एक कोड होना चाहिए,
बट ऑप्शन देख लिया नजर पे कि आइदर बोल दिया, इसका मतलब है कंफर्म टीएम और केएस में से हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखो एक बार चेक कर लो इसको, टीएम और केएस में से। अच्छा वन के साथ और वो कौन है जिसका कोड नहीं निकाल सकते हो, वन है और थ्री है, इनका कोड तो डिटरमाइन ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई, आगे देखो खत्म बस। अब इफ पर्पल कलर इज लव इज कोडेड एज दिस, लव हैप्पी टाइम इज कोडेड एज दिस, एंड दिस सूट पर्पल हैप्पी इज कोड। ठीक है, तो एक चीज मेरे को दिख रही है यहां से, देखो मैं यहां से कैसे भी करके ना लव का कोड देख ले रहा हूं, लव लव का कोड, हाँ या ना, मैंने निकाल लिया लव का कोड। क्या है लव का कोड? लव का कोड जो मेरे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा डब्ल्यू एन, दिमाग में इतना सोच लिया एल ओ वी, समझ जाना लव है। हैप्पी और टाइम का कोड क्या होगा? ऑफ कोर्स या तो होगा टी वाई या तो होगा आई एच, किसका? हैप्पी और टाइम का। जरा ऊपर की मदद लो, यहां टाइम दिख रहा है तो टी वाई और आई एच में से क्या दिख रहा है? यहां आई एच दिख रहा, तो तुम्हें पता चल गया ना टाइम का कोड क्या है, आई एच, तो ऑटोमेटिकली हैप्पी का कोड निकल के आ गया, दैट इज टी वाई आ गया, तो हैप्पी का कोड टी वाई तुम्हारे दिमाग में आ गया। पर्पल का भी कोड निकाल लोगे, पर्पल का कैसे निकालोगे? पर्पल का तुम यहां से निकाल लो पर्पल, ठीक है ना, तो पर्पल का कोड यहां से निकालोगे क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें लव का कोड पता है, ये हटा दोगे अपने दिमाग से, बचेगा कलर। कलर इन दोनों में से कोई एक होगा, ऊपर की मदद ले लो। कलर यहां दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कलर। क्या कोड यहां पे कॉमन दिख रहा है, सीबी या क्यूएम? सर सीबी दिख रहा है, तो ये वाला कोड बेटा तो क्यूएम हो जाएगा, किसका? पर्पल का। ऑप्शन की एक बार मदद ले लो, टीवाई और क्यूएम, टीवाई और क्यूएम यहां दिख रहे हैं, टीवाई और क्यूएम, टीवाई और क्यूएम यहां दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, तो इन दोनों में से एक कोड होगा। अभी तुमने अभी का अभी बताया था डब्ल्यू एन का मतलब लव, तो सूट का कोड थोड़ी ना डब्ल्यू एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थ्री भी हटा दो, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई कि मैंने इसको क्यों लिखवाया था? अरे हाँ, रोम रोम भाई हो, बिल्कुल सिस्टम हिला देंगे। ब्रो आया? अरे बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। अरे हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो क्या कहता है, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू एज पर द गिवन? अच्छा, इनमें से कौन सा यहां पे ट्रू है ये पता लगाना है, है ना? तो आंसर ऑप्शन नंबर द पीएच। एक बार सारे चेक करने पड़ेंगे, ये 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 ये, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाँ भाई, कंक्लूजन, अब कोई पूछ रहा था ना, आओ देखो सुनो, मैं गारंटी कहता हूं आपको ओनली फ्यू स्टेटमेंट में दिखेगा, ना कि कंक्लूजन में। चलिए, ओनली फ्यू लेक्स आर पॉन्ड, ओनली फ्यू लेक्स, लेक्स पॉन्ड, ओनली फ्यू कहां से है? लेक से पॉन्ड के बीच में, तो लेक से पॉन्ड के बीच में बना देना। नो पॉन्ड इज स्ट्रीम, कोई भी पॉन्ड स्ट्रीम नहीं है। ऑल लेक्स आर रिवर, जितनी भी लेक्स हैं क्या है? वो रिवर है। ऑल स्ट्रीम आर रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, सारी स्ट्रीम उठाया मैंने, कहां बैठाने की बात कर रहा है? रिवर में। हाँ, ये पूरा स्ट्रीम उठाया और रिवर के इतने पोर्शन में हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूछा है, ट्रू हो गया। सम लेक्स इज डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रीम, तो ये कुछ नहीं मतलब है इसका, इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? सम नॉट अपने आप में खुद में ही डेफिनेटली कंक्लूजन है, इस डेफिनेटली से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सम लेक इज नॉट स्ट्रीम कैसे चेक करते हैं? एक बार फिर से बता देते हैं, सम लेक इज नॉट स्ट्रीम, तो इमेजिन करेंगे सारा लेक, सारा लेक उठाया, कहां डालने की बात करेंगे? स्ट्रीम में। क्या डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे, इतना पोर्शन तो बाहर रहेगा। भाई ये भी सही है, बोथ ट्रू। अरे हाँ या ना, बोथ ट्रू, बोथ बोथ बोथ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑल बॉक्स आर कंटेनर, जितने भी बॉक्स हैं वो क्या है? कंटेनर है। ओनली फ्यू कंटेनर आर पैकेज, कहां से बोल रहा है? कंटेनर से बोल रहा है कि पूरा कंटेनर हम पैकेज में नहीं डालते, लेकिन पूरा ये बॉक्स हम पैकेज में डाल सकते हैं, बट पूरा कंटेनर पैकेज में नहीं जाएगा। ओनली फ्यू बॉक्स आर शिपमेंट, तो शिपमेंट कहां से बोल रहा है? ओनली फ्यू बॉक्स से बोल रहा है, फ्यू बॉक्स से बोल रहा है, किसका? शिपमेंट का। अब देखिए, सम बॉक्स आर पैकेज, बॉक्स यहां पैकेज है, क्या मुझे इस डायग्राम में दिख रही है बॉक्स और पैकेज के बीच में सम का रिलेशन? जो चीज दिखी नहीं रही वो ट्रू कैसे होगी? ये तो गलत हो जाएगी।
नो शिपमेंट इज अ पैकेज इज अ पॉसिबिलिटी, शिपमेंट यहां पर है, पैकेज यहां पर है, हाँ भाई हमें कोई रिलेशन ही नहीं मालूम चल रहा है और ये पॉसिबिलिटी पूछा है, तो ऑफकोर्स ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू, देखे ओनली टू, ओनली टू लाइन लगा दो यार, ओनली टू की लगा दो, ओनली टू, ओनली टू, बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखिए क्या कहता है, ओनली फ्यू मिसाइल्स आर टॉपर्स, ओनली फ्यू मिसाइल्स आर टॉर, ओनली फ्यू मिसाइल से कह रहा है, ओनली फ्यू टॉर आर रॉकेट, ओनली फ्यू रॉकेट, नो टॉर आर प्रोजेक्टाइल, नो टॉर इज प्रोजेक्टाइल, अलग ही बन गया है। ऑल रॉकेट कैन नेवर बी, अब सोचो ऑल रॉकेट कैन नेवर बी प्रोजेक्टाइल, एक बार चेक करो क्या ये सत्य है, क्या ये कंक्लूजन सत्य है, देखते हैं। ऑल रॉकेट, पूरा रॉकेट कहां है, पूरा रॉकेट सोचा कहां डालने की बात कर रहा है, प्रोजेक्टाइल, ऑल रॉकेट कैन नेवर बी प्रोजेक्टाइल, यस बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, क्यों ये वाला पोर्शन किसका है, टॉर्क का है, और टॉर्क और प्रोजेक्टाइल में नो का रिलेशन लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, सत्य बात कह रहा है। सम मिसाइल्स कैन बी रॉकेट, मिसाइल्स कहां है, रॉकेट कहां है, रॉकेट मिसाइल्स रॉकेट, हाँ भाई हो सकता है कि कुछ मिसाइल्स का पोर्शन रॉकेट हो, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है इनके बीच में कॉम्बिनेशन, तो हाँ कैन बी दिखा दिया ना, ये कैन बी की वजह से कभी कभी गलती कर देते हो, मत करना, ये भी आंसर हो जाएगा बोथ। अब भाई बोथ बोल दो यार, सब लोग बोथ बोल दो, बोथ। आगे देखो क्या कहता है भाई, आगे आ गए आपके तीन सवाल कंक्लूजन के और यहां मैंने बस खत्म कर दिया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जे से बी, भाई जे कहाँ, ये है, जे से हम एफ सी तक जा सकते हैं, अगर तुम सी तक चले गए तो सी से बी भी तो जाओगे, प्रायोरिटी सिंबल भी मिल रहा है, सही हो गया। टी से एफ देख लो, टी कहाँ है यार, टी यहाँ है, टी से एम सी तक जा सकते हो, और सी का मतलब होता है एफ, स्टेटमेंट में बोला, तो इस सी को काट के एफ भी इमेजिन करोगे तो टी से एफ नहीं चले गए, चले गए ना तो बोथ हो गया ना, बस खत्म करो। आगे देखो यू से जेड देखो, यू कहां पर है, यू यहां पर है, एल जे तक जा सकते हैं, एल तक चले जाते हैं, जब अगर जाओ एल तक चले गए तो ऑफकोर्स हम एल से जेड तक भी जा सकते हैं, भाई प्रायोरिटी सिंबल बन गया पहला। क्यू से जे चेक कर लो, क्यू कहां है, ये है, और कहीं क्यू है, नहीं है, क्यू क्यू से पी एल, अरे क्यू से कहां तक जाना है, जे तक जाना है ना, अरे तो क्यू से एल तक चले जाएंगे और एल से जे नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि रास्ता तो बंद कर दिया है, रास्ता तो बंद कर दिया है, कभी नहीं मूव कर सकते, ऐसे कर सकते हैं ना खुले दरवाजे से, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। अरे भाई क्लियर है, अरे भाई ओनली वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, हाँ भाई एस ए, एस ए कहाँ है, एस यहाँ है भैया, एस यहाँ है, ए तक जाना है, किसकी मदद ले सकते हैं भाई, टी ई, टी ई की मदद लो ना, ई का कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, तो एस से ई तक चले जाएंगे और ई से ए तक चले, अरे बन गया ये तो, बी से वाई, देखो बी है और वाई यहाँ है तो तुम्हें ई तक जाना पड़ेगा और ई से वाई तक जाना पड़ेगा, अरे बन गया। आगे देखो, हाँ कंफ्यूजन ना हो, देखते ही तुरंत, इंडिविजुअली दोनों गलत है, हाँ गलत है, कंबाइन करो जरा दोनों को, क्या ये आ रहा है, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी टी, ये है, हाँ भाई देखो ये यहां से यहां तक बीच में, पूरे बीच पाथ में एक बार भी ये या एक बार भी ये नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि ये मेरा क्या हो जाएगा, एक आइदर की सिचुएशन बनाता है, आइदर है इसका आंसर। और यहीं के साथ साथ हमने 40 क्वेश्चन को खत्म किए, आ जाओ सब लोग, आइदर और, क्लियर ठीक है ना, तो बस ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन है, मेरी बात को हम सुन लो जाते जाते, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कल वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, पैनिक मत होना, अपना बेस्ट करके आना, किसी भी क्वेश्चन पे टाइम मत लगाना, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन पे टाइम मत लगाना, रीजनिंग से शुरू करोगे तो कोशिश ये करना कि जो भी चीजें तुम्हें पजल्स, जो भी पजल तुम्हें, तुमने घर पे लगाई है ज्यादा, पहले उस पर फोकस करके उसको खत्म करो, ठीक है ना, जिस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस हो, ठीक है ना। मिसलेनियस को भी ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, क्योंकि मिसलेनियस में भी सिली सिली मिस्टेक हो जाती है, पेयर वाले में, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले में, है ना, तो चीजों को एक टाइम अलॉट करना कि भाई रीजनिंग में मुझे इतना ही देना है, चाहे मैं रीजनिंग में क्यों ना मैं केवल 30 क्वेश्चन ही कर पाऊं, बट स्टिल मैथ्स को भी देखना है, ठीक है ना, बाकी का जो टाइम बचता है आगे पीछे करके देख लेना, परेशान मत होना बच्चे सब, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब हम लोग क्लर्क की तैयारी के लिए, ठीक है ना, चलो बाय।